सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के अलावा तमाम मस्जिद में जुम्मा और पंजगाना नमाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये फैसला सऊदी अरब की सीनियर उलमा अथॉरिटी के इजलास में किया गया, जिसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में ऐलान किया गया कि नमाज के वक्त मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के अलावा तमाम मसाजिद के दरवाजे बंद रहेंगे, इसलिए शहरी जहां हैं वहीं पर ही नमाज की अदायगी करें। ऐलान के मुताबिक सऊदी अरब में नमाज जुम्मा की अदायगी भी मुअत्तल रहेगी और नमाज जुम्मा के बदले जहर की 4 रकअत नमाज अदा की जाएगी। बयान में कहा गया कि मसाजिद से सिर्फ अजानें दी जाएंगी और मौजन अजान में आओ नमाज की तरफ के बजाय नमाज घर पर ही अदा करें के अल्फाज अदा करेंगे। उलमा अथॉरिटी का कहना है कि ये आर्जी इकदाम मुफादयामा और अवाम की सेहत के तहफ्फुज की खातिर किया गया है और इसकी मजहबी तौर पर इजाजत दी है। इससे कबल कोरोना वायरस की वजह से तुर्की, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और इराक समेत कई इस्लामी ममालिक ने मसाजिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमात और नमाज पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि कुवैत और तुर्की में अजान के जरिए लोगों को घर पर नमाज अदा करने की तलकीन की जा रही है।